सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। नगर पालिका चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर जो सवाल उठा था, उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत भी हो गई। कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया, स्वीकृति भी दे दी। अब जल्द ही नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषित होंगे, ऐसी संभावना है। पिछले एक वर्ष से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, मेहनत से और हमारे साथियों ने जन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ी सड़क पर, जो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतर के संघर्ष किया, उसके कारण से आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और उन्हीं साथियों की मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में से 633 नगर निकायों में बाकायदा मीटिंग करके, बैठकें करके, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके 633 नगर निकाय के प्रभारी आज आम आदमी पार्टी घोषित कर रही है। 633 नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आम आदमी पार्टी के आज प्रभारी घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें से नगर पालिकाओं में 164 प्रभारी, नगर पंचायतों में 435 प्रभारी, नगर निगम के अंदर 34 प्रभारी बनाए जा रहे हैं। और पहले भी हमने कहा है, फिर से दोहरा रहा हूँ, नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वार्डों पर, चेयरमैन के पदों पर, मेयर के पदों पर मजबूती से लड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक मौका योगी जी को दिया है, और ये काम तो शहरों की सफाई का है, ये काम तो आपके नगर से गंदगी दूर करने का है, ये काम आम आदमी पार्टी वालों को दे दीजिए, झाड़ू वालों को दे दीजिए। झाड़ू वाले आपके शहर को साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को चुना, उनके शिक्षा मॉडल को, स्वास्थ्य मॉडल को, बिजली पानी के मॉडल को, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया और पूरे देश के अंदर लोकप्रियता मिल रही है, उसकी सराहना हो रही है। वही मॉडल हमारी पंजाब की सरकार अपना रही है, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, बिजली के बिल माफ करने का मॉडल। तो उत्तर प्रदेश के लिए आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी जिन जिन नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमारे लोग जीतेंगे, चेयरमैन बनेंगे, वहां पर हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ हो गया। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, हम आपको साफ सुथरा शहर करके दिखाएंगे, गंदगी मुक्त शहर करके दिखाएंगे। और हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। ये दो बड़ी घोषणाओं के साथ हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। और अभी पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उस पर भी मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। साथियों, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है,
जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त काम कर रही हैं, ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, हमारी जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही गंभीर सवाल है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आप आए दिन विपक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आपने बहुत सारे मुकदमे लिखे, ये आंकड़े आपके सामने हैं, पूरे देश का आंकड़ा, पूरे देश का आंकड़ा। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियां हैं, बंगाल में सीबीआई टीएमसी के ऊपर 30 मुकदमे करती है, भारतीय कांग्रेस के ऊपर 26 मुकदमे होते हैं, बिहार में आरजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, उड़ीसा में बीजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के ऊपर 6 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, केरल में सीपीएम के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी के ऊपर 3 मुकदमे होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पार्टी 2 मुकदमा होता है, डीएमके पे तमिलनाडु में 2 मुकदमा होता है, टीआरएस पे तेलंगाना में 2 मुकदमा होता है, पीडीपी पे कश्मीर में 1 मुकदमा होता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, तेलंगाना वाले हों, आंध्र प्रदेश वाले हों, बंगाल वाले हों, उड़ीसा वाले हों, कश्मीर वाले हों, पूरे देश के लोगों पे आप मुकदमा कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे जरा बताइए, भारत के और गुजरात से आपके मित्र अडानी आते हैं, और आपके उस मित्र ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, लाखों करोड़ का, उसी गुजरात से नीरव मोदी मेहुल चौकसी आते हैं, 22,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक का घोटाला किया, उसी गुजरात से नितिन संदेशरा आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप विपक्ष के नेताओं पे मुकदमा कर रहे हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, तमिलनाडु वाले, केरल वाले, सबके ऊपर। लेकिन गुजरात में जो आपके मित्र हैं अडानी, जो लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां बनाकर 42,000 करोड़ रुपए भारत में अडानी की कंपनी में लग रहा है, उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, ये 42,000 करोड़ का काला धन, इसकी कोई जांच नहीं होगी सेबी से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? 38 फर्जी कंपनियां उसके भाई ने पूरे दुनिया में खोली है, करीबियाई देशों में, मॉरिशस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मुझे जरा बताइए, 1,25,000 करोड़ का कोयला आपने मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ जाकर अडानी को आपने दे दिया, उसके सारे कागजात मैंने रखे,
उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अडानी से क्या दोस्ती है आपकी मोदी जी? लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं इस पे चाहता हूं जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी दे, और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं वो लोग भी इसका जवाब दें और जवाब मांगे अपने नेता से। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर तालिबान से 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 3000 किलो हेरोइन, और उस 3000 किलो हेरोइन का दाम था 20,000 करोड़ रुपए। कितना दाम था? 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर। कहां से आई थी? पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले तालिबान से आई थी। जो तालिबान आपके देश में 20,000 करोड़ का ड्रग्स भेज रहा है, प्रधानमंत्री जी उसको 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं, पूरा देश इस पे खामोश रहेगा? बीजेपी के भक्तों आप सवाल क्यों नहीं पूछते अपने नेता से? मोदी जी के भक्तों सवाल क्यों नहीं पूछते? जो तालिबान आपको ड्रग्स देता है आप उसको गेहूं देते हैं? मोदी जी का नारा है तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, ये कर रहे हैं आप? भारत सरकार का बजट है पत्रकार बंधुओं, भारत सरकार का बजट, महिलाएं महंगाई से परेशान, नौजवान बेरोजगारी से परेशान, किसान फसल का दाम न मिलने से परेशान, आलू का किसान अपना खेत में आलू भर के उसको सड़ा रहा है, जला रहा है, किसान दुखी, महिलाएं दुखी, नौजवान दुखी, लेकिन भारत के बजट से अगर कोई खुश होता है तो तालिबान खुश होता है, क्योंकि मोदी सरकार के बजट में तालिबान को सैकड़ों करोड़ रुपए दिया जाता है। ये क्या रिश्ता है भाजपा का तालिबान के साथ? ये अपने देश के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो और ओसामा बिन लादेन के चेलों को आटा खिला के मोटा कर रहे हो? शिक्षा पे जो मनीष सिसोदिया काम करेंगे वो जेल में रहेंगे और ओसामा बिन लादेन के चेले आटे खा खा के मोटा होंगे? ये तो गलत बात है मोदी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये क्या रिश्ता है? और मेरा आरोप भी है और इस आरोप के पीछे पुख्ता सबूत भी है, जो 3000 किलो हीरोइन अडानी के पोर्ट पर आई, तालिबान मोदी सरकार पे दबाव बना रहा है, अगर उसने अडानी और अपने रिश्तों का खुलासा कर दिया तो मोदी जी का चेहरा और अडानी का चेहरा पूरे दुनिया के सामने काला हो जाएगा, और इसलिए इसको छिपाने के लिए, तालिबान को खुश करने के लिए कभी आटा पहुंचाया जा रहा है, कभी बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए दिया जा रहा है। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक चिंतित रहते हैं, मुझे फोन करके कहते हैं अडानी का घोटाला रोज खोल रहे हो, कोई कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल दिए जाओगे। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बहादुरी से लड़ो, हिम्मत से लड़ो, जेल जाना पड़े जेल जाओ, लाठी खाना पड़े लाठी खाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ झुकना नहीं है। मुझे कल जेल भेजना चाहते हो आज भेज दें, आज भेजना चाहते हो अभी भेज दें, जब तक मोदी की सरकार है तब तक जेल में रखना चाहते हैं जेल में रखें। मैंने तो यहां तक कहा विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा दो, क्योंकि मुझे पता चला कि मोदी जी सिर्फ 3 घंटे सोते हैं बेचारे, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, बाकी समय क्या करते हैं? इसको पकड़ा कि नहीं, उसको पकड़ा कि नहीं, यहां मुकदमा हुआ कि नहीं, उसका गर्दन दबाया कि नहीं,
इस पे ईडी छोड़ी कि नहीं, उस पे सीबीआई छोड़ी कि नहीं, यही करते हैं। तो विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर कर दो, उसके बाद कम से कम 6-8 घंटे आराम से सो मोदी जी। ये रोज रोज के मीडिया भी भागता रहता है, अखबार वाले भी भागते रहते हैं, टीवी वाले भी भागते रहते हैं, देश के दूसरे विषयों पे चर्चा ही नहीं होती, आपके सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। शिक्षा के, भारत की सरकार में शिक्षा का बजट 2% है, स्वास्थ्य का बजट 2% है, ये हालत कर रखी है इस देश की इन लोगों ने। उसकी चर्चा ना हो, उसकी बात ना हो, इसलिए कभी इस पे सीबीआई, कभी इस पे ईडी, कभी इस पे सीबीआई, कभी, और जब मजाक बना लिया भाई, पूरे देश के लोगों पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक छापे मरा रहे हो, और गुजरात के जो आपके मित्र हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, तमिलनाडु वाले, केरल वाले, कश्मीर वाले सब मुकदमा झेलेंगे। गुजरात में जो मोदी जी के दोस्त हैं उन पे मुकदमा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आम आदमी पार्टी आने वाले संसद के सत्र में मजबूती से इस मुद्दे को उठाएगी, और साथ ही साथ अडानी जी घोटाले की नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, 3 एपिसोड में जारी कर चुका हूं, अभी बहुत मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है। मुझसे कहते हैं आप पे कार्रवाई हो जाएगी, तो मैंने कहा जब मैं अडानी का घोटाला खोलूंगा तो बच्चे कुछ तो करेंगे, कुछ तो खेल करेंगे, करने दो। तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, और अडानी का घोटाला भी संसद के सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा। जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाकर अडानी के घोटाले की जांच कराओ, जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। सभाजीत सिंह जी हैं, हमारे संगठन के कार्यों को देखने वाले साथी दिनेश पटेल जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, महिला शाखा की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष नीलम यादव जी हैं, सारे लोग अलग अलग मुद्दों पर हम लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। आलू का चिप्स, अमेरिका की कंपनी अंकल चिप्स, मम्मी मम्मी अंकल चिप्स कह के 400 रुपए किलो बाजार में बेचती है। चिप्स बनाने में कौन सा विज्ञान लगता है मुझे जरा बताइए। भारत का किसान 40 पैसे किलो भी अपने आलू का दाम नहीं पाता है, और उसी का आलू खरीद कर अमेरिका की कंपनियां 400 रुपए किलो अंकल चिप्स बना के बेच रही हैं। 650 रुपए की घोषणा अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि हमने 40-40 रुपए किलो आलू खरीदा है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? किसान को मिल रहा है 6.5 रुपए, बिचौलिया कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, जमाखोरी होती है, बाजार में कमी होती है, तब आलू निकाला जाता है और वही आलू फिर 40 रुपए किलो कालाबाजारी के माध्यम से मिलता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 650 रुपए ही क्यों? मनोहर कहानियां के किस्से नए नए रोज आते रहेंगे, उनसे पूछो कि भ्रष्टाचार क्या है, कोई कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई, अब पूरी स्कीम योजना ही 10,000 करोड़ की नहीं, कोई कहता है 1,000 करोड़ की रिश्वत खाई, आप कह रहे 100 करोड़, एक नहीं नहीं ईडी का, नहीं नहीं ईडी का ही यार, ईडी कह रही 100 करोड़। 14 घंटे सीबीआई ने छापेमारी की घर पे, गांव में छापेमारी की, दफ्तर में छापेमारी की, बैंक में छापेमारी की, वो 100 करोड़ गया कहां? आसमान में उड़ गया, जमीन निगल गई,
कहीं कुछ सोना खरीदा, कहीं कोई संपत्ति खरीदी, कोई जमीन खरीदी, कहां गया? पहली चार्जशीट में क्यों नाम नहीं था मनीष सिसोदिया का, जवाब दो। दूसरी चार्जशीट में क्यों नाम नहीं था मनीष सिसोदिया का, जवाब दो। जब मोदी जी ऊपर से डांटेंगे तब आप कार्रवाई करोगे। 10 महीने से मामला चल रहा है। आप भी पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सामान्य कक्षा 2 का बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। 10 महीने तक ईडी को कोई कार्रवाई याद नहीं आई। 10 महीने तक ईडी सो रही थी, बोले जागो जागो, बोले हम कुंभकर्ण की नींद में, अभी नहीं जागेंगे। किस दिन जाग रहे हैं? जब सीबीआई के मामले में जमानत देने की याचिका दी जाती है 10 मार्च को, उसके पहले जागते हैं। अरे नहीं, अब तो पकड़ना है। क्यों भैया, 10 महीने तक तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं था? 10 महीने तक तुम्हें कार्रवाई नहीं करनी थी? तो ईडी अब एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। अब वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, अब वो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। रोज नई नई मनोहर कहानियां और किस्से सुनाते रहेंगे। इनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। 3,000 मुकदमे 8 साल में इन्होंने किए, 3,000 मुकदमे। और मालूम है कितने लोगों पे आरोप सिद्ध कर पाए? 0.5%। 3,000 लोगों पे 8 साल में मोदी जी के राज में छापेमारी हुई, 0.5% पर आरोप सिद्ध हुआ, बाकी मामले झूठे निकले। ये ईडी कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।